सभी भैया बहनों को प्रणाम। आज हम कक्षा प्रथम में अध्याय 4 हमारे देवी देवता पढ़ेंगे। इसमें हमने भाग एक में हमने गणेश जी और कृष्ण जी के विषय में पढ़ा था। आज हम राम जी और शिव जी, हनुमान जी, उनके विषय में अध्ययन करेंगे। ये देखा आपने, ये बुक है, किताब है, इसके अंतर्गत ये राम जी का चित्र है। ये देखिए श्री राम भगवान का चित्र इसमें, उसके बाद ये शिव जी भगवान का चित्र है। किसका चित्र है? शिव जी का। और ये हनुमान जी का, किसका चित्र है? ये हनुमान जी का। आज हम इनके विषय में अध्ययन करेंगे। प्रकरण देवता है भाग 2। भाग 1 हम का अध्ययन पहले कर चुके हैं। राम जी, श्री राम राजा दशरथ के पुत्र थे। इनकी माता का नाम कौशल्या था। यह वचन का पालन करने वाले थे। इन्होंने अभिमानी रावण का वध किया था। इनके दो पुत्र थे, लव और कुश। अब है शिवजी, शिवजी भगवान कृष्ण। शिवजी कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। इनकी पत्नी पार्वती जी हैं। इनके दो पुत्र हैं, कार्तिकेय व गणेश। इनके गले में सर्पों की माला है। इनके हाथ में डमरू व त्रिशूल है। अब देखिए हनुमान जी, इसके विषय में पढ़ेंगे। हनुमान जी के विषय में, हनुमान जी श्री राम के भक्त थे। इनकी माता का नाम अंजलि था। संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। मंगलवार व शनिवार को इनकी पूजा करते हैं। इन्होंने लंका को जलाया था। आप देखा आपने, हमने आज राम जी, शिव जी, हनुमान जी, इनके विषय में अध्ययन किया है। राम जी अपने वचन का पालन करने के पक्के थे। इनको 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, तो इन्होंने उस वचन का पालन किया और सीता माता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष वनवास गए। ये वचन का, इनके पिता का जो वचन दिया था उसका इन्होंने पालन किया था। शिवजी भगवान, शिवजी इनके जटा में गंगा विराजमान है। कहते हैं ना, गंगा जी शिवजी के जटा से ही निकली है। और इनके गले में सर्पों की माला है, हाथ में डमरू रहता है, एक हाथ में त्रिशूल रहता है, और ये कैलाश पर्वत पर विराजमान रहते हैं। अब हनुमान जी, हनुमान जी के विषय में आप जानते होंगे, ये किसकी पूजा करते थे? भगवान राम की। राम के ये बहुत बड़े सेवक थे, इनकी भक्ति किया करते थे। और जब लक्ष्मण को बाण लगा था तो यही संजीवनी बूटी लेकर आए थे और लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। और लंका, पति रावण की लंका का दहन हनुमान जी ने ही किया था। धन्यवाद।